विद्यार्थियों और कैसे हो। हम ये देख रहे थे कि हमारी जो सरकार है उसने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किस प्रकार से क्रियान्वित किया, तो हम पढ़ रहे थे सरकार के द्वारा किए गए कार्य। हम क्या पढ़ रहे थे, नीति निदेशक। हम पढ़ रहे थे नीति निदेशक तत्वों, नीति निदेशक तत्वों, नीति निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने के उदाहरण हम ये पढ़ रहे थे। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि नीति निदेशक तत्वों की पालना, तत्वों की पालना करते हुए सरकार के द्वारा किए गए कार्य। देखो ये जो प्रश्न है ये दो प्रकार से आता है कि नीति निदेशक जो तत्व हैं उनको क्रियान्वित किया गया, समय समय पर जो है अनेक तत्वों को हमारी सरकार ने क्रियान्वित किया, तो सरकार ने किन किन तत्वों को क्रियान्वित किया, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन तत्वों की पालना करते हुए या इन तत्वों को क्रियान्वित करते हुए सरकार ने कौन कौन से कार्य किए। और कल की क्लास में हमने ये देखा था कि नीति निदेशक तत्वों की पालना करते हुए सरकार ने अनेक कार्य किए, जिसमें हमने पढ़ लिया था, एक कार्य तो हमने पढ़ा था कि सरकार ने कौन सा कार्य किया, भूमि सुधार। एक तो हमने ये पढ़ा था कि इन तत्वों की पालना करते हुए सरकार ने जो पहला काम किया वो किया था भूमि सुधार का कार्य। दूसरा जो कार्य किया वो था पंचायती राज की स्थापना, पंचायती राज की स्थापना, ये सरकार ने दूसरा काम किया। और इन तत्वों की पालना करते हुए सरकार ने जो तीसरा कार्य किया वो था योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन। और इसके साथ साथ जो है पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना, पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन। एक हमने ये पढ़ा था कि सरकार ने ये काम किया, एक हमने पढ़ा था इसके अंदर बड़े उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये जो है हमने कल की क्लास में देखा था कि इन तत्वों की पालना करते हुए सरकार ने ये काम किए। और इसके बाद में सरकार ने जो अगला काम किया जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, तो आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और प्रत्येक बिंदु को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगला जो कार्य किया सरकार ने वो था कमज़ोर वर्गों का कल्याण,
कमजोर वर्गों का कल्याण। यानी सर ये जो नीति निदेशक तत्व हैं इन तत्वों की पालना करते हुए सरकार ने जो अगला काम किया वो कौन सा था, कमजोर वर्गों का कल्याण। तो इस वाले बिंदु को जो है मैं ऊपर लिख देता हूँ, कौन सा कार्य किया, कमजोर वर्गों का कल्याण। यानी नीति निदेशक तत्वों की पालना करते हुए सरकार ने जो अगला काम किया वो था कमजोर वर्गों, कमजोर वर्गों का कल्याण। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखना कि निदेशक तत्वों की, निदेशक तत्वों की पालना करते हुए, निदेशक तत्वों की, आप भी मेरे साथ के साथ लिखते हुए चले या फिर इसको समझते हुए चले, ध्यान से सुनते हुए चले, निदेशक तत्वों की पालना करते हुए सरकार ने कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विशेष कार्य किए, जो इस प्रकार हैं, जो निम्नलिखित हैं। अब देखो कमज़ोर, हमारे समाज में जो कमज़ोर वर्ग हैं, अब हम समाज में कमज़ोर किसको मानते हैं, एससी एसटी या जो पिछड़ा वर्ग है हम उसको कमज़ोर वर्ग मानते हैं। और ये जो कमज़ोर वर्ग हमारे समाज के, इनके कल्याण के लिए सरकार ने जो है अनेक कार्य किए इन तत्वों की पालना करते हुए। और वो कार्य कौन से हैं जो निम्नलिखित है, पहला कार्य सरकार ने किया, पहला काम क्या किया, प्रतिनिधि संस्थाओं में। इसका अर्थ यह है संसद, प्रतिनिधि संस्था किसे कहते हैं, संसद या विधानमंडल, संसद व विधान मंडल को जो है हम क्या कहते हैं, संसद और विधानमंडल को हम क्या कहते हैं, प्रतिनिधि संस्थाएं कहते हैं। तो इन संस्थाओं में, तो प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान। यानी ये जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं हमारे भारत में, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं इनको क्या किया गया है कि प्रतिनिधि संस्थाओं में अर्थात संसद और विधानसभाओं के अंदर क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। तो सरकार के द्वारा एक काम तो ये किया गया कमज़ोर वर्गों के लिए, दूसरा है सरकारी सेवाओं में आरक्षण। तो देखो इन कमज़ोर वर्गों के लिए सरकार ने जो दूसरा काम किया वो क्या था कि शिक्षा में और सरकारी सेवाओं में इनको क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। एससी एसटी ओबीसी या जो हमारे समाज के पिछड़ा वर्ग हैं या जो दुर्बल लोग हैं। इसके अलावा तीसरा जो काम किया वो था पंचायती राज व नगरीय स्वशासन
की संस्थाओं में महिलाओं को एक तिहाई क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, एक तिहाई आरक्षण। और ये कब दिया गया, 73वें व 74वें अधिनियम के द्वारा दिया गया था। देखो अब ये जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं भी क्या है, हमारे समाज में एक कमजोर वर्ग के अंतर्गत आती है। यानी ये जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं भी क्या है, हमारे समाज में किस में आती है, कमजोर वर्ग में आती है। और इनके कल्याण के लिए भी जो है सरकार ने क्या किया कि 73वें और 74वें अधिनियम के द्वारा पंचायती राज की संस्थाओं में, अब पंचायती राज की संस्थाएं कौन कौन सी है, जैसे आपके गांव में ग्राम पंचायत या फिर पंचायत समिति या फिर जिला परिषद, और नगरीय जो संस्थाएं हैं, अब नगरीय संस्थाएं कौन सी है, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम ये तो है नगरीय संस्थाएं, और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये है आपके पंचायती राज की संस्थाएं। तो इन पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं के अंदर जो है, जो कि स्वशासन की संस्थाएं हैं, इनमें महिलाओं को एक तिहाई क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। तो ये भी सरकार ने एक कार्य किया। इसके अलावा और क्या किया, इसके अलावा देखो सरकार ने नंबर 4 पे जो काम किया कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए, वो था छात्रवृत्ति की व्यवस्था। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो SC ST या जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनको सरकार क्या करती है, छात्रवृत्तियाँ भी देती हैं। तो छात्रवृत्ति की व्यवस्था, इसके अलावा सरकार ने जो और काम किए वो थे निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। इसके अलावा सरकार ने जो और काम किया वो था नंबर 6, अस्पृश्यता के निवारण हेतु कठोर कानून बनाया गया। इसके अलावा जो और काम किया वो था नंबर 7, सात सदस्यीय अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग का गठन, आयोग की स्थापना, ताकि ये जो आयोग है, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की गई, और ये की गई थी 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और ये जो आयोग है, ये जो कमीशन है, ये जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जिनमें SC और ST के लोग आते हैं, इनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखती है, ताकि कोई भी समाज का कोई भी वर्ग इनका शोषण ना कर सके, इनके साथ कोई सी प्रकार का अन्याय ना कर सके, इसका विशेष ध्यान कौन रखता है, ये आयोग रखता है। तो ये भी काम जो है हमारी सरकार ने किया। और इसके साथ जो है सरकार ने जो और काम किए, तो मेरे हिसाब से तो 7 बिंदु इसमें काफ़ी हैं। तो
आप समझ गए होंगे कि इन तत्वों की पालना करते हुए सरकार ने जो पांचवा कार्य किया वो था कमजोर वर्गों के कल्याण का कार्य, और कमजोर वर्गों के कल्याण का कार्य करते हुए सरकार ने ये 7 कार्य किए। आप इनको दोबारा से ध्यान से देख लेना, इस वीडियो को दोबारा से आप जो है बैक करके और इनको दोबारा से समझ लेना। तो ये था, यदि तुम्हारी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सरकार ने कौन कौन से कार्य किए, यदि तुम्हारी परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आ जाए कि कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सरकार ने कौन कौन से कार्य किए, तो फिर आप जो है ये 7 कार्य उसके उत्तर में बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बिंदु को समझ गए होंगे। अगला कार्य देखते हैं, और अगला कार्य कौन सा है, नंबर छः है, और वो अगला कार्य क्या होगा, न्याय व्यवस्था में सुधार। अगला काम जो हमारी सरकार ने जो इन तत्वों की पालना करते हुए जो कार्य किया वो था न्याय व्यवस्था में सुधार। कौन सा है, नंबर 6, और कौन सा कार्य है नंबर 6 में, न्याय व्यवस्था में सुधार। यानी इसमें आप ये लिखना, न्याय व्यवस्था में सुधार जो बिंदु है, इसमें आप कौन कौन से सुधार किए गए न्याय के संबंध में। तो इसमें ऐसे लिखना कि न्याय संबंधी निदेशक, न्याय संबंधी निदेशक तत्वों की पालना करते हुए सरकार ने न्याय व्यवस्था में अनेक सुधार किए। यानी हमने देखा था प्राचीन स्मारक पंचायती राज एवं न्याय संबंधी नीति निदेशक तत्वों को हमने पढ़ा था, और हमने ये देखा था कि अनुच्छेद जो 50 है उसमें न्याय संबंधी नीति निदेशक तत्व थे। तो आप क्या लिखेंगे कि न्याय से संबंधित नीति निदेशक तत्वों की पालना करते हुए सरकार ने न्याय व्यवस्था में अनेक सुधार किए, और वो सुधार कौन कौन से हैं जो निम्नलिखित हैं। अब वो कौन कौन से सुधार हैं वो हम देखेंगे। नंबर 1, जो पहला सुधार किया वो था लोक अदालतों की व्यवस्था। यानी सरकार ने क्या किया कि जो है जगह जगह हर जिला स्तर के ऊपर जो है लोक अदालतों की स्थापना की, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो हमारे समाज में जो गरीब लोग हैं, गरीब यानी पिछड़ा जो लोग हैं, वो इन लोक अदालतों में जो है बिना किसी खर्चे के न्याय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो काम किया सरकार ने न्याय व्यवस्था के सुधार में वो था ग्राम न्यायालयों की स्थापना। यानी सरकार ने क्या किया कि जो गांव के लोग हैं, जो इतने गरीब हैं कि वो जो कोर्ट नहीं जा सकते, हमारे गाँव में इतने गरीब लोग हैं जिनके साथ में इतना सारा अन्याय हो रहा होता है, इतने सारा उनके ऊपर अत्याचार लोग
कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग अपनी गरीबी के कारण कहाँ नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। तो इस प्रकार के जो गरीब लोग हैं, जो हमारे गांव की जो गरीब महिलाएं हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए जो है हमारी सरकार ने कौन सा कार्य किया, ग्राम न्यायालयों की स्थापना की। इसके अलावा त्वरित न्याय व्यवस्था, यानी हमारी सरकार ने जो है एक प्रकार से तुरंत न्याय करने की भी व्यवस्था को अपनाया है। त्वरित एवं सक्रिय न्याय व्यवस्था जो हमारी सरकार ने अपनाई। और इसके अलावा जनहित याचिकाओं पर क्या दिया गया है, बल। तो इस प्रकार से जो है हमारी सरकार ने न्याय व्यवस्था के सुधार में ये चार कार्य किए। तो अब आप समझ गए होंगे, न्याय व्यवस्था में सुधार किया गया जिसके अंतर्गत लोक अदालतों की स्थापना की गई, ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है, त्वरित और सक्रिय न्याय व्यवस्था का प्रबंध किया गया है और जनहित याचिकाओं के ऊपर बल दिया गया है। तो ये था न्याय संबंधी सुधार के कार्य या न्याय से संबंधित जो क्रियान्वित किए गए कार्य, ठीक है। तो यदि आपको ये पूछा जाए परीक्षा में कि न्याय संबंधी व्यवस्था में जो सुधार किया गया वो कौन कौन से थे, तो ये चार बिंदु आप इनको याद रखना। मुझे लग रहा है कि आप इन बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। अब देखो अगला कार्य कौन सा है, नंबर सात देखेंगे। अब छह कार्य हम देख चुके, अब हम नंबर सात पे देखेंगे। और नंबर सात पे क्या था, नंबर सात पे है इसमें आपके निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध। देखो हमने ये पढ़ा था अनुच्छेद 45 में, तो इसमें आप ऐसे लिखना कि अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का क्या था, निर्देश था। हमने पढ़ा था ना, हमने अनुच्छेद 44, 45, 46, 47, 48 हमने पढ़ा था। और उसमें हमने अनुच्छेद 45 में क्या पढ़ा था कि हमारी जो सरकार है वो संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर, संविधान लागू होने के 10 वर्ष बाद के अंदर जो है 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करेगी। लेकिन हमारी सरकार ने जो है ये कब किया, 2009 में किया। तो अनुच्छेद 45 के निर्देश की पालना करते हुए तो हम इसमें यही तो लिखेंगे कि अनुच्छेद 45 जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का निर्देश था, अनुच्छेद 45 जिसमें आप यहाँ पे लिखना जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का निर्देश था, इस निर्देश की पालना करते हुए सरकार ने, अब यहाँ सरकार का मतलब आप इसको राज्य भी कह सकते हैं, तो राज्य ने आर टी ई
एक्ट 2009 लागू किया। आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया। इस एक्ट के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार, यानी शिक्षा को क्या बनाया गया है, शिक्षा को मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य में, यानी इस एक्ट के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। और इस एक्ट के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है अब आप समझ गए होंगे इन सारी बातों को, प्रावधान किया गया है। तो देखिए हमारी सरकार ने क्या किया कि इन तत्वों की पालना करते हुए क्या बनाया, आरटीई एक्ट 2009 बनाया, यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 बनाया। और इस अधिनियम के तहत जो है जो शिक्षा है इसको क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार, और इसके साथ साथ इसको क्या बना दिया गया, मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया है। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है हमारी सरकार ने किसका प्रबंध किया है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया गया है। आपने देखा होगा कि जो सरकारी विद्यालय हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 8 तक जो है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, उनको किताब, इसके अलावा उनको ड्रेस के पैसे, उनको साइकिल वगैरह भी दी जाती है, उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा है और एक प्रकार से अनिवार्य शिक्षा है। और अब हमारी सरकार ने ये शिक्षा जो है बढ़ा के कितनी कर दी, कक्षा 1 से लेकर के और 12 तक कर दी है। अब आगे हम देखेंगे अगला कार्य, हम 7 कार्य पढ़ चुके, अगला हम देखेंगे 8वां कार्य सरकार ने जो किया और वो क्या था, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रबंध। 8वां कार्य सरकार ने जो किया वो क्या था, समान वेतन का प्रबंध ये भी हमारी सरकार ने किया। अब समान कार्य के लिए समान वेतन के प्रबंध का मतलब क्या है, तो देखो समान कार्य हेतु समान वेतन, समान कार्य हेतु समान वेतन का मतलब है, आपने देखा होगा कि हमारे भारत में जो है महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। जैसे हमारे, आप एक एग्जांपल ले लो कि जैसे हमारे घर में कोई मजदूर आता है, तो यदि कोई पुरुष मजदूर आता है तो हम उसको कितना पैसा देते हैं, 600 रुपये, और यदि कोई महिला मजदूर आती है तो हम उसको कितना देते हैं, 400 रुपये। तो देखो आपने, जबकि महिला और पुरुष दोनों ही मजदूर हैं, दोनों ही समान कार्य कर रहे हैं,
लेकिन महिलाओं को वेतन कितना दिया जा रहा है 400 रुपये और पुरुष को वेतन कितना दिया जा रहा है 600 रुपये। तो इस प्रकार से क्या था कि हमारे सरकार में भी पहले ऐसे ही था कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था। महिलाओं को आप ध्यान से सुनो कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था। और हमारे आपने देखा होगा कि अनुच्छेद जो 39 है, अनुच्छेद 39 में हमने एक निर्देश पढ़ा था समान कार्य हेतु समान वेतन। तो इस अनुच्छेद 39 के निर्देश की पालना करते हुए हमारी सरकार ने क्या किया कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रबंध किया है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें तुम्हें लिखना क्या है वो देखो। अब ब्लैक बोर्ड की तरफ आप ध्यान दो और इसको समझने की कोशिश करो। अनुच्छेद 39 क्या लिखेंगे आप कि अनुच्छेद 39 की पालना करते हुए, अनुच्छेद 39 की पालना करते हुए अनुच्छेद 39 की पालना करते हुए सरकार ने यानी जिसको आप कह सकते हैं राज्य, यानी सरकार या राज्य ने स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए समान वेतन का प्रबंध, यानी हम इसको कह सकते हैं व्यवस्था की है। ठीक है, तो ये एक काम और सरकार ने किया। इसके बाद में अगला कार्य देखो, नंबर नौ भी हम देखेंगे, संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन या संशोधन, या हम इसको क्या कह सकते हैं, संशोधन भी कह सकते हैं या आप इसको कह सकते हैं परिवर्तन। अब आपको अच्छे से पता है कि जब हमारा संविधान बना था और जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब हमारे को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। हमारे को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे, 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, और वर्तमान में जो है हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। तो अब ये जो एक मौलिक अधिकार है वो कौन सा था, संपत्ति का मौलिक अधिकार, यानी अनुच्छेद जो 31 है, अनुच्छेद 31 में जो है हमारे को कौन सा मौलिक अधिकार मिला हुआ था, संपत्ति का मौलिक अधिकार मिला हुआ था। हमने मौलिक अधिकार पढ़ लिए हैं, आपने यदि वो मौलिक अधिकारों की वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है इससे पहले मौलिक अधिकारों की वीडियो को देखिए और वहाँ आप ये देखेंगे कि संविधान में हमारे को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे जिसमें से संपत्ति के मौलिक अधिकार में क्या किया गया है, संशोधन किया गया है, यानी उसमें परिवर्तन कर दिया गया और इस संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जबकि ये पहले क्या था, संपत्ति का जो अधिकार है ये पहले क्या था, मौलिक अधिकार है, और अब इसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी अनुच्छेद जो 31 है इसको समाप्त कर दिया गया
और इसके स्थान पर एक नया अनुच्छेद अनुच्छेद 300 कह जोड़ दिया गया, और इस अनुच्छेद 300 कह के अनुसार जो है संपत्ति के अधिकार को जो है क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब इसका अर्थ यह है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है संपत्ति को अपने पास इकट्ठा नहीं कर सकता, जबकि पहले क्या था कि व्यक्ति चाहे जितनी संपत्ति अपने पास रख सकता है, लेकिन अब जो है कोई भी व्यक्ति अपनी आमदनी के अनुसार ही संपत्ति को रख सकता है। तो अब इस वाले बिंदु में आप क्या लिखेंगे, इस वाले बिंदु में आप ये लिखना कि इसमें आप ये लिखना कि नीति निदेशक तत्वों की, या फिर इसको इस प्रकार से लिखना निदेशक तत्वों की पालना व सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करने हेतु व सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करने हेतु राज्य का अर्थ क्या होगा सरकार ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को संपत्ति के मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। एक बार इस लाइन को आप दोबारा से पढ़ो कि नीति निदेशक तत्वों की पालना व सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए, यानी इसका अर्थ ये है कि हमारे भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए राज्य ने यानी सरकार ने क्या किया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 300 के तहत क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो एक कार्य हमारी सरकार ने ये भी किया, हम क्या पढ़ रहे हैं सरकार के द्वारा किए गए कार्य, तो एक काम हमारी सरकार ने ये किया। तो इस प्रकार से जो है इसके बाद में जो है हम पढ़ेंगे इसमें नंबर 10 अगला कार्य है, और अगला कार्य क्या है, अगला कार्य देखो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, नंबर 10 है सामाजिक, चलो मिटा के लिख देता हूँ। अब देखेंगे दसवां कार्य है, और दसवां कार्य कौन सा है, दसवां कार्य है सामाजिक न्याय की व्यवस्था। सरकार ने कौन सा कार्य किया, सामाजिक ध्यान दो आप ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान से देखो, सामाजिक सुरक्षा, यानी सरकार ने कौन सा कार्य किया, सामाजिक सुरक्षा का कार्य। अब आप सोच रहे होंगे कि सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या है, अब हमने देखा था, हमने ये पढ़ा था यानी आर्थिक न्याय से संबंधित निर्देश तत्व, सामाजिक न्याय से संबंधित निर्देशक तत्व हमने पढ़े थे। तो सामाजिक न्याय से संबंधित निर्देशक तत्वों की पालना करते हुए हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के अनेक कार्य किए, कि सामाजिक निदेशक तत्वों की पालना करते हुए अरे हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, हमने देखा नहीं था क्या, आर्थिक न्याय से संबंधित निदेशक तत्व, सामाजिक न्याय व शिक्षा से संबंधित निदेशक तत्व, पंचायती राज, प्राथमिक समारोह और
न्याय से संबंधित निदेशक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निदेशक तत्व। इस प्रकार से हमने इन तत्वों को चार भागों में डिवाइड किया था, जिसमें दूसरा भाग क्या था, सामाजिक न्याय से संबंधित निदेशक तत्व था। तो सामाजिक न्याय से संबंधित निदेशक तत्वों की पालना करते हुए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के अनेक कार्य किए। अब वो कौन कौन से हैं अनेक कार्य किए, जैसे हम बात करें जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना को लागू किया सरकार ने, यानी जो हमारे समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, तो उन वृद्ध लोगों के लिए हमारी सरकार ने कौन सी योजना चला रखी है, वृद्धावस्था पेंशन योजना का कार्य किया। इसके अलावा हमारी सरकार ने जो काम किया हमारे समाज के अंदर सुरक्षा के लिए, वो था इसके बाद में स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया। इसके अलावा तीसरा प्रधानमंत्री जन धन योजना, और इस योजना के तहत जो है हमारे यहाँ लोगों को सरकार आर्थिक लाभ देती है। इसके अलावा अगला भामाशाह है स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री बीमा योजना। इसके अलावा नंबर 6 उज्ज्वला योजना। इसके अलावा सुकन्या योजना। तो इस प्रकार से जो है, इसके अलावा नंबर 8 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम क्या कहते हैं, नरेगा या मनरेगा कहते हैं। तो इस प्रकार से सरकार ने इसके अलावा जन आधार योजना। तो इस प्रकार से हमारी सरकार ने क्या किया कि सामाजिक सुरक्षा का काम किया, और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए, यानी हमारे समाज में जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़ा लोग हैं, महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, तो उनके लिए हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के अनेक कार्य किए, जिसमें से 9 कार्य मैंने आपको लिखवा दिए। और ये निर्देश कौन से में थे, सामाजिक निर्देश जो हमारे अनुच्छेद आपने 44, 45, 46, 47, 48 जो पढ़ा था आपने, उसमें ये निर्देश थे। तो इन निर्देशों की पालना करते हुए सरकार ने ये कार्य किए। इसी के साथ जो है हमारे ये सरकार के द्वारा जो किए गए कार्य थे, ये समाप्त होते हैं। और कलम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अंतर पढ़ेंगे।
इसी के साथ में मैं जो है अपनी आज की इस क्लास को विराम देता हूँ।